संगीत में जीते थे। एक गुरु से दूसरे गुरु, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु के चरणों में बैठकर संगीत की साधना करते थे। अलग अलग घराने, अलग अलग स्टाइल के रंग सीखते थे। और जब तक संगीत जगत ने उनकी प्रतिभा को सलाम किया, तब तक वो 60 वसंत देख चुके थे। आज हम बात कर रहे हैं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर की, जिन्हें बतौर शास्त्रीय संगीतज्ञ पहचान भले देर से मिली, लेकिन जल्दी उनका नाम धुरंधर कलाकारों में शामिल हो गया। कर्नाटका के धारवाड़ जिले से 5 किलोमीटर पश्चिम में एक गांव है मंसूर। इसी गांव में 31 दिसंबर 1910 को पैदा हुए थे मल्लिकार्जुन। परिवार में संगीत का माहौल पहले से ही था। पिता भीमारायप्पा गांव के सरपंच थे। किसानी करते थे लेकिन संगीत से बहुत लगाव था। कन्नड़ संगीत नाटकों से भी जुड़े हुए थे। बड़े भाई बासा और राज का अपना थिएटर ग्रुप था। 8 साल की उम्र में मल्लिकार्जुन ने स्कूल छोड़ दिया था और बतौर सिंगर एक्टर के तौर पर अपने भाई का ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। बचपन में ध्रुव और प्रहलाद जैसी भूमिकाएं निभाने की वजह से उन्हें खूब सराहना मिली थी। थिएटर के दिनों से ही मल्लिकार्जुन मंसूर ने जयपुर अतरौली घराने के उस्ताद अल्लादिया खां के बारे में खूब सुना था। उनका बहुत मन था कि वो उस्ताद अल्लादिया खां से गाना सीखें। अल्लादिया खां के पास पहुंचे तो खां साहब ने मल्लिकार्जुन को अपने बेटे मजी खां के हवाले कर दिया। जयपुर अतरौली घराने की विधिवत तालीम शुरू हो गई। मंसूर की गायकी में 3 घरानों, 3 परंपराओं का संगम मिलता है। बचपन में उन्होंने कर्नाटक संगीत सीखा। जवान हुए तो वो ग्वालियर के विद्वानों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और आखिरकार जयपुर के अतरौली घराने में जुड़े रहे। शुरू शुरू में मल्लिकार्जुन मंसूर घर चलाने के लिए संगीत से जुड़ी नौकरियां करते रहे। ऑल इंडिया रेडियो में गाते थे, HMV में प्रोड्यूसर रहे, AIR धारवाड़ में 10 साल तक म्यूजिक एडवाइजर रहे। 1969 में उन्हें बॉम्बे में गाने का मौका मिला, जिसके बाद वो तेजी से मशहूर हो गए। मल्लिकार्जुन मंसूर को 1970 में पद्मश्री, 1976 में पद्म भूषण और 1992 में पद्म विभूषण दिया गया। 12 सितंबर 1992 को 81 साल की उम्र में पंडित जी ने आखिरी सांस ली। रागिरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और Facebook और Twitter के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू। वो संगीत में जीते थे। एक गुरु से दूसरे गुरु, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु के चरणों में बैठकर संगीत की साधना करते थे। अलग अलग घराने, अलग अलग स्टाइल के रंग सीखते थे। और जब तक संगीत जगत ने उनकी प्रतिभा को सलाम किया, तब तक वो 60 वसंत देख चुके थे। आज हम बात कर रहे हैं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर की, जिन्हें बतौर शास्त्रीय संगीतज्ञ पहचान भले देर से मिली, लेकिन जल्दी उनका नाम धुरंधर कलाकारों में शामिल। कर्नाटका के धारवाड़ जिले से 5 किलोमीटर पश्चिम में एक गांव है मंसूर। इसी गांव में 31 दिसंबर 1910 को पैदा हुए थे मल्लिकार्जुन। परिवार में संगीत का माहौल पहले से ही था। पिता भीमारायप्पा गांव के सरपंच थे। किसानी करते थे लेकिन संगीत से बहुत लगाव था। कन्नड़ संगीत नाटकों से भी जुड़े हुए थे। बड़े भाई बासा और राज का अपना थिएटर ग्रुप था। 8 साल की उम्र में मल्लिकार्जुन ने स्कूल छोड़ दिया और बतौर सिंगर एक्टर के तौर पर अपने भाई का ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। बचपन में ध्रुव और प्रहलाद जैसी भूमिकाएं निभाने की वजह से उन्हें खूब सराहना मिली थी। थिएटर के दिनों से ही मल्लिकार्जुन मंसूर ने जयपुर अतरौली घराने के उस्ताद अल्लादिया खां के बारे में खूब सुना था। उनका बहुत मन था कि वो उस्ताद अल्लादिया खां से गाना सीखें। अल्लादिया खां के पास पहुंचे तो खां साहब ने मल्लिकार्जुन को अपने बेटे मजी खां के हवाले कर दिया। जयपुर अतरौली घराने की विधिवत तालीम शुरू हो गई। मंसूर की गायकी में 3 घरानों, 3 परंपराओं का संगम मिलता है। बचपन में उन्होंने कर्नाटक संगीत सीखा। जवान हुए तो वो ग्वालियर के विद्वानों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और आखिरकार जयपुर के अतरौली घराने में जुड़े रहे। शुरू शुरू में मल्लिकार्जुन मंसूर घर चलाने के लिए संगीत से जुड़ी नौकरियां करते रहे। ऑल इंडिया रेडियो में गाते थे, HMV में प्रोड्यूसर रहे,
AIR धारवाड़ में 10 साल तक म्यूजिक एडवाइजर रहे। 1969 में उन्हें बॉम्बे में गाने का मौका मिला, जिसके बाद वो तेजी से मशहूर हो गए। मल्लिकार्जुन मंसूर को 1970 में पद्मश्री, 1976 में पद्म भूषण और 1992 में पद्म विभूषण दिया गया। 12 सितंबर 1992 को 81 साल की उम्र में पंडित जी ने आखिरी सांस ली। रागिरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और Facebook और Twitter के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।